अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाय, दिस इज मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान। और मैंने पहले बोला था कि भाईजान, दूसरी तरफ से जो है दो सॉन्ग्स आउट हो चुके थे, लेकिन इधर गुड बॉय के बाद कुछ नहीं आया था। समझ गए होगे, क्योंकि डिस गेम जो है ना नहीं है बख्शेगा, एमी वे नहीं बख्शता, तो उसकी तरफ से आ गया भाई। और पहले पता था कि भाई इसने कुछ ना कुछ जो है ना करना ही करना है, तो वो रिप्लाई का मैं वेट कर रहा था। उस टाइम भी मैंने जो है लास्ट जो है नो मर्सी के अंदर भी कहा था कि भाई जान ये नहीं रुकने वाला, लाइक जितना इसको छेड़ोगे ना उतना ये जो है निखर के जो है लिख लिख के जो है एमए में बाहर आता है। तो बातें वगैरह करने से पहले अच्छे सॉन्ग सुनते हैं। और डिस्क्लेमर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो है ना हो सकता है कि एग्रेसिव वर्ड्स का जो है यूज़ किया जाए, लाइक गाली वगैरह होगी, अब्यूसिंग वर्ड्स आएंगे, तो जिन्होंने नहीं देखना अभी डिस्क्लेमर देख के बेशक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इसको रिव्यू करते हैं, ये डिस गेम जो है अब थोड़ा सा उठेगी और मजा करेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yo, Max. No mercy, ruthless, no mercy. पालू ना तेरी मर्जी, चलेगी मांगे मर्सी। लाइक उससे ना माइंड में वो रखा हुआ था नो मर्सी वाला सीन। इस दफा कोई रहम नहीं है भाई, कोई रहम नहीं है, कोई रहम नहीं है एमी वे की तरफ से। स्टार्ट ही उसने जो है ना उनके वर्ड से, जो लास्ट सॉन्ग जो था ना नो मर्सी, उसके ऊपर छोड़ के जो है उठाया। कामे चरस तो स्मोक मांगे ये चरसी, जोक मारे ये मादर छोड़ लोक मारे से फर्जी। थोड़ा फेम मिला हुआ इन्हें फेम, मैं हैवी है इनकी डैम बैम बैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया। हर बारी क्यों छूट जाते इनके प्लान, इनके फैंस सारे पॉप, इन्हें चाहिए मुझसे रैम। और अच्छा, मैंने पहले बोला था कि इसके अंदर ना कुछ वर्ड्स हैं जो होंगे एग्रेसिव होंगे, क्योंकि वो फील आ रही थी कि एवी वे और खामोश बैठ जाए। जब इसके साथ उंगली करोगे ना, तो इसने रफ्तार को नहीं बख्शा था अपने टाइम पे, तो कृष्णा और ये सारे जो है ना कलमकार जो है, अब ये पूरा ही रगड़ेगा, निगलेगा ये बंदा। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैकेनिक में मैं ग्रीस दे रहा, होटल पे लोंडे बैठे यहां फारिक है। तेरे वाली दम फ्लेक्स, तेरे ना वैलिड है यंग दम एंड ब्रो, खा रहा पसे सारे खालिद है। खत्म करा था मैं छोरे छोड़ के भागे जंग, धुआं उड़ा रहे बारे, हम उसी वजह सितारे कम नजर आ रहे, हमारे दम पे चलना चाह रहे सारे, अब गा मारे जैसे बारे, अब लिखावट भेजा फारे, अब धनी कमारे सारे, हम मारे रम लोंडे ला रहे, हम गेम में स्पिरिट संभाले हमारे, हम इनकी आत्मा शांति भी तो दिला रहे, हम बच्चे से बीफ तो जा रहे, हम गांड फटी जब पधा रहे, हम डीमन टाइम ये चाह रहे, हम हर एक गाने में ये लेते मुझ पे शॉर्ट्स, क्योंकि मैं कंप्लीटली फैक्ट्स के साथ। और पिछले जो सॉन्ग जो दो कलमकार के जो है वो हो चुके हैं ना, एक वो रात और सेकंड जो है नो मर्सी, इन दोनों को ना बिल्कुल उसने माइंड में रख के जो है ना अपने आप को लिखना शुरू की है। और वही बात है कि हर एक गाने में ये लेते हैं मुझ पे शॉर्ट। उन हर गानों के अंदर मैंने पहले एक जो है वो जो दोनों उनको कवर किया, तो उनमें एक बात मैंने बताई थी कि बेशक मैं नाम लूं या ना लूं, कलमकार इस टाइम जो वर्ड्स जो है हिट कर रहा है ना, वो डायरेक्ट जिस बंदे को कर रहा है वो सबको पता था। इतने ना मैं, हम लोग जो है देखने वाले बच्चे हैं ना सुनने वाला कोई इतना बच्चा है। अभी भी शॉर्ट ले गया भाई। एक जरिया जिससे बढ़ता इनका बैंक का बैलेंस, फ्लो ये लगे किल शॉट, क्योंकि डिसोबीडिएंट किड सारे आके सीखे यहाँ से मैनेज। मेरे लॉन्ग हेयर रोजी, मेरा स्टाइल देखो करवा रहे ये ब्लॉन्ड हेयर, सोचे खुद को मॉश मैनेज। ब्लॉन्ड हेयर वाला सीन पता है ना, अभी जो है वो भी लग रहा था कि ब्लॉन्ड हेयर किसने करवाए हैं। खुल के खेल रहा है भाई, खुल के खेल रहा है। नहीं, किल शॉट तो मानना पड़ता है जी भाई, एमएनएम का जो किल शॉट था, लेकिन इसका भी किल शॉट देखने वाला होगा आई गेस। इसके बाद जो है कोई ये इसी सॉन्ग के अंदर जो है ना कोई सरप्राइज देगा नेक्स्ट सॉन्ग के लिए एमवी में। मैं करा रस कॉपी एम कॉपी, उतना भी मैं काबिल हूँ तो खुद के लिए मैं खुश हूँ ब्रदर। आए थे मुंबई मुझसे खुद से आके मिले, माइक पे फेले सामने मेरे बेटा, कोई भी माइक पे फेले, वर्ड प्ले करना चाह रहे हैं ये केले, अकेले 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 मुंह में ले ले, बम बम गिरेगा बेटा इधर चलता बूम नहीं। अच्छा, फैक्ट्स अभी भी वही चल रहे हैं कि मुंबई कौन आया, कौन किससे मिला, क्या सीन चला। माइक पे तो भाई इस बंदे का जो है वो है, चीर फाड़ जाता है, शोर भी करता है एमिवे। और लेकिन जिस टाइम जो है वही बात है कि वो इसका गाना था ना स्टिल नंबर वन, उसके अंदर वर्ड्स थे एमी वे घुसता कैसा, घुसता ऐसा कोई नहीं बसता कैसा, वो वाले वर्ड्स जो थे ना वो वाकई दिल में थे। वो मैं पूरा नहीं कह सकता, उसके अंदर जो वर्ड्स थे ना गाने के अंदर वो सेंसर बोर्ड टूट टूट, लेकिन एमी वे का पता है भाई, जब ये घुसता है तो वाकई घुसता फिर ठीक करके है।
के जैसे भाड़ोतरी को देते इधर रूम नहीं झूम नहीं पाएगा खाएगा जाएगा भाग लाएगा मेरे लिए सब बचाएगा कुन तुझे बात तू चाहेगा मचाएंगे लेके बिना मचाएगा मचाएगा तेरा मेरी जगह ना मिल पाएगा ना टाएगा एंड दे बी लाइन में तो खड़ा लाएगा हर बार मेरा बुलेट तू दोबारा से मिलाएगा साइड बार से कभी ना करूं लूज मैं दे रहे मुझे है गाली तो करूं इन्हें अब्यूज में मोटिवेशन बना के ये बॉडी वेशल कर आगे आ रहे हैं सॉफ्ट रैप वेन मार दूंगा ब्रूस में जमीन लाइक वो जो उसके अंदर वो नहीं था उसने वो उठाया वैसा कि फोर आर्म जो है मेरा चौड़ा लगे तो वो अभी उसी पे बॉडी मॉडर्न करवा के एक एक चीज को ना इससे मेरा ख्याल है नो मर्सी को ना घोल के पिया है कि उसमें जो एक एक वर्ड था ना उसका एक एक वर्ड का सिंगल आंसर इस टाइम एमी पे फेंक रहा है अपने इस डिस्ट्रैक्ट से। ये बेशक आप लोग कहो कि गाना नहीं वही वाली बात है कि गाना नहीं डिस लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट है भाई कंप्लीट खुल के जवाब फेंका गया इस टाइम के भाई जान आओ अब जब शुरू तुम लोगों ने दो ट्रैक फेंक दिए तो मेरा एक ही बोत है नासमा का फर्क अपने व्यूज में ये शॉट्स ले रहे ताकि आए धाकड़ के न्यूज में नहीं ये मेरे लाइक कैसे करूं इनसे फाइट फेक गैंगस्टर ऑन द माइक सॉफ्टी बने इंटरव्यूज में बार बार क्यों आ जाते हैं ये मार खाने सीख दे रहा क्योंकि आदत इनका भार खाने इनका करियर को खड़ा ला मेरे चार गाने मुझसे सड़े ऐसा लगे कलम इनका कारखाने कारखाने कैसे चलाएंगे चार जन ये दो दिन ये व्यूज में 400,000 नहीं मार वो रात जो गाना था उसको जब मैंने कवर किया था तो उसमें भी मैंने कहा था कि यार सिर्फ 5 मिलियन व्यूज जो है वो तकरीबन बड़े 2 या 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना सिर्फ वो जो है 3 या 4 मिलियन व्यूज थे तो उस टाइम मैंने कहा था यार ये गाना डिजर्व ज्यादा करता है गेम फिर वो व्यूज की आ गई है कि 2 दिन के अंदर 400,000 भी नहीं मार पा रहे ये लोग जो है व्यूज और एवरीवे का जिस टाइम आता है गाना तो व्यूज तो ठुकते हैं भाई इसको लाइक अभी तक मेरा जहां तक ख्याल है इंडिपेंडेंट रैपर्स के अंदर जो है एमवीवे की जो शॉर्ट इस टाइम चल रहा है ना वो 20 मिलियन से अबव चल रहा है और इसका भाई बनता है हक से है जैसे मेहनत की है मेहनत इसकी नजर आती है दूसरी पार्टी भी बहुत अच्छी है ये नहीं है कि मैं इसको जो है पसंद करता हूँ या ये मुझे पसंद है रफ्तार का भी मैं फैन हूँ कृष्णा कारमा इन सबको सुनता हूँ भाई मैं एक न्यूट्रल टाइप का जो है ओपिनियन दे रहा हूँ लेकिन ये इसका ना थोड़ा सा एग्रेसिव आता है इसका शोर जो है ना लाइक खाने पीने के जो है चक्कर में बंदा रगड़ जाता है ये जिस टाइम ये किसी की जो है लेना शुरू करता है रैप के अंदर डिस गेम मारता है कैरियर दूसरी साइड पे वो फावड़ा पकड़ के जमीने खोद के दिखा रहे होते हैं टोपी पहन के शायद हमने वो कर लिया लेकिन इसका कैरियर नहीं ख़त्म हो पा रहा ना और ये वाकई कलमकार को कह सकते कि एमीवे का जो है ना इस टाइम अखीर किस्म का सिक्का चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर जिसको वो कलमकार जो है गिराने के चक्कर में है गेम तो वही है ना नंबर वन कौन लौंडा फिर एक ट्रैक फेंकता है उसके बाद जो है फिर से जो है इसी की बातें शुरू हो जाती है पारे और ये बोलेंगे कि दुनिया इनसे चलती है मैं दूंगा किल शॉट तो भेजे के सीधा हार पारे ब्रदर 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 नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ किल शॉट आएगा इसका अगला सॉन्ग जो है ना किल शॉट ये फेंकेगा हो सकता है क्योंकि वो एंड में जो उसने बात कर दी है ना कि फेंकूंगा किल शॉट वाला सीन तो वो हो सकता है कि अगले सॉन्ग के अंदर जो है किल शॉट वगैरह जो है आ सकता है भाईजान गाना तो वाकई नो मर्सी जो उन्होंने पिछला फेंका गाना वो भी ट्रैक बहुत मजे का था आई रियली लव दैट ट्रैक उसके अंदर जो म्यूजिक थी वाइब थी बहुत अच्छी थी लेकिन उसने जो गाना स्टार्टिंग में उठाया ना वो उसने उठाया नो मर्सी से फिर मिड में आया मिड में आके उसने बताया कि मुंबई मैं नहीं आया था मैं जिस टाइम आया हूँ तो तुम लोग मुझसे मिले हो वो वाले फैक्ट्स आ गए फिर उसके बाद वही बात के जो है जो गाना स्टार्ट होता है उसके अंदर ये मेरे मुझे डिस्कस करते हैं वो उस सीन पे सारा का सारा फिर जो है रईसी कसर जो है म्यूजिक जो है अच्छा वो कर रहा था वो भी बड़ा अच्छा बजा बीच में म्यूजिक लाइक एक ही टून थी वही चल रही थी लेकिन उसके ऊपर जो है ना ट्रैक पूरा का पूरा फेंका गया नो डाउट यार नो डाउट इट्स रियली गुड एमवीवे का लिखना और उसको जो है कंप्लीट करना नो डाउट एमवीवे डूइंग रियली गुड वर्क लाइक एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बैठ के इंडिया का हिप हॉप अगर देखा जाए तो भाई इस गाने के बाद 2 मिनट का ही ट्रैक था लेकिन हैवी था उनके 2 का 1 में इसने जवाब दिया और अच्छा दिया नो डाउट इसके अंदर जो है बेशक अब रैपर्स होते हैं अपना अपना जो है आप लोगों का वो होगा ओपिनियन होगा कि आपको कौन सा पसंद है कौन सा पसंद है मुझे पसंद ना पसंद की बात नहीं है लेकिन ये वाला ट्रैक अच्छा है फैक्ट्स अच्छे थे लिमिटेड था छोटा सा सॉन्ग उसी के अंदर पूरा का पूरा जवाब दे दिया लेकिन ये जो बीच में किल शॉट और एंड में किल शॉट की बात आई है ना मे बी हो सकता है कि एवरीवे जो है रफ्तार और कृष्णा और ये कलमकार के ऊपर एक रख के ट्रैक अपकमिंग डेज में हम हो सकता है कि देखें
क्योंकि भाई जान ये तो फायर था, फ्लावर समझ के जो है ना, फ्लावर समझ, ये पुष्पा वाला सीन था, फायर है पुन फायर। बट बहुत मजे का ट्रैक, बहुत मजे का ट्रैक। थोड़ा सा एग्रेसिव, आई के स्टार्ट रियली गुड एग्रेसिव था, फिर बीच में कुछ वर्ड, तो इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दे दिया था कि बीच में कोई एग्रेसिव वर्ड आएगा। डिस गेम में ये तो नहीं है कि बैठ के कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, उसमें चीर पाड़ी है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी पिछले जो है ट्रैक में खुल के बातें की थी, नो मर्सी में, याद नहीं है उसकी। अगर जो है रफ्तार की बात ले ले, तो रफ्तार सेड के जी जो तेरी जर्सी है वो जो है लाल हो जाएगी, और वो ठोकर ठाकी वाला सीन चल पड़ा था उधर, कि तू जो है अर्जी भी दे थाने में भी जाएगा तो कोई सीन नहीं बनना तेरा, क्योंकि हमारी सुनी जाएगी तेरी नहीं सुनी जाएगी। तो वहां से मुझे लग गया था कि भाईजान गेम थोड़ी हैवी उठने वाली है। तो इधर तो भाईजान लड़के ने ऐसी की तैसी बजा के रख दी, उसने कहा तो रुको तोड़ी भैन दी दसना में। लेकिन अगला सॉन्ग मे बी होपफुली के जो है किल शॉट जो है आ सकता है एमी वे के वर्जन में। एक तो एमिनम का है ना, वो तो भाई रैप गॉड कहते हैं उसको, वो तो अखीर। लेकिन अब हो सकता है कि इसका आए, और वो वाकई उसका वेट करेंगे और सुनने में जो है अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पर फिर ये खुल के आएगा। और जब जब एमी वे खुल के आए, वो मैं मानता हूँ कि जो है नहीं होता सबके सुनने का शौक, उस पे जो लैंग्वेज यूज होती है बड़ी अग्रेसिवली यूज होती है, लेकिन रैप गेम में भाई सब चलेगा, सब कुछ चलेगा, जिसका का भी है वो सब कुछ चलेगा। तो ये वो जो इसने अपना पिछला नहीं स्टिल नंबर वन, स्टिल नंबर वन, उसके अंदर जो वर्ड्स है ना, एमी वे घुसता का हिस्सा, घुसता है हिस्सा किसी के बस, वो वाला सीन था ये उसको जो है इसके अंदर जो है वो किया गया। वो कहे आज का बैकग्राउंड जो है इट्स जस्ट अ वॉल और उसके ऊपर टारगेट। मैंने कहा डिस गेम में तो थोड़ा सा टारगेट शारगेट अच्छा लगता है पीछे, थोड़ा अपना भी मूड बनाया ना कि क्या रिव्यू करने आ रहे। बगैर थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के जो है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं उसको, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। अल्लाह हाफिज़।